यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से नजुल भूमि को लेकर संपत्ति संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की गई। हालांकि अब इस पर चर्चा तेज हो गई। आज हम जानेंगे अपने शो में नजुल कानून है क्या, क्या इस कानून को दोबारा सदन में लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल अभी ये सब बातें तो भविष्य के घर में है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ काजोल नारायण। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से नजुल भूमि को लेकर संपत्ति संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की गई। योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से यूपी विधानसभा से पास कराए गए बिल को विधान परिषद में रोक दिया गया। बिल प्रवर समिति में भेजी गई है। हालांकि अब इस पर चर्चा तेज हो गई। आज हम जानेंगे अपने शो में नजुल कानून है क्या, आखिर विधानसभा के बाद विधान परिषद में क्यों नहीं हुआ पास, और जानेंगे कि आखिर भाजपा के अपने विधायक ही इस कानून का क्यों कर रहे हैं विरोध। ऐसा क्या है इस कानून में जिसका असर यूपी की आधी आबादी पर पड़ सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण, एट 9 देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सरकार से बड़ा संगठन बताने वाले बयान को सीएम योगी के साथ उनकी सियासी अदावत को जोड़ दिया था। केशव मौर्य अपनी इस बात पर पूरी तरह से कायम है और सोशल मीडिया के जरिए लगातार इसी मुद्दे को उठा रहे हैं, जिसके बाद यूपी बीजेपी में अंतर विरोध की चर्चा जोर पकड़ी रही है। ऐसे में सरकार से बड़ा संगठन वाला बयान तब सच साबित होता है जब नजुल भूमि विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद से जाकर अधर में लटक गया। नजुल भूमि के बिल को बीजेपी विधायकों के विरोध की परवाह न करते हुए योगी सरकार ने बुधवार को विधानसभा से पास करा लिया, लेकिन विधान परिषद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विरोध करके बिल को प्रवर समिति को भेजने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद नजुल भूमि विधान परिषद में जाकर लटक गया। अब ऐसे में सवाल उठने लगा कि नजुल संपत्ति विधेयक ने क्या साबित कर दिया, सरकार से बड़ा संगठन है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगा। बीजेपी यूपी की 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आ गई। इस तरह यूपी में बीजेपी की जितनी सीटें कम हुई उतनी ही सीटों से बहुमत से दूर रह गई। यूपी में मिली हार के बाद से बीजेपी में सियासी संग्राम छिड़ गया है। इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पार्टी कार्य समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की मौजूदगी में कहा था कि सरकार से बड़ा संगठन है। इसके बाद से केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहे हैं और अपने बयान पर अड़िग हैं। इस कड़ी में उन्होंने फिर कहा कि संगठन सदा बड़ा रहेगा। केशव के साथ सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आ रहे हैं। अब योगी सरकार यूपी के नजुल की जमीन को विकास योजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मंशा से यूपी नजुल संपत्ति यानी लोक परियोजना प्रबंधन और उपयोग विधेयक 2024 लेकर आई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक से नजुल भूमि विधेयक बिल को मंजूरी मिल गई थी। इसके बाद विधेयक को विधानसभा में योगी सरकार के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश करते हुए कहा कि यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने के लिए लाया गया है। साथ ही कहा कि सार्वजनिक महत्व के विभिन्न प्रकार के विकास गतिविधियों के कारण भूमि की निरंतर और तत्काल जरूरत है, जिसे संबंधित हितधारकों को विकास गतिविधियों में उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जा सके। विधानसभा में बिल पेश होते ही सपा विधायकों के साथ बीजेपी के विधायकों ने भी विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी के साथ ही कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह और कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा ने विरोध जताया। इस विधेयक को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्षवर्धन वाजपेयी ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। विधेयक में नजुल की भूमि की लीज रिन्यू में स्पष्ट न होने पर सवाल सिद्धार्थनाथ सिंह ने उठाया था। योगी सरकार ने विपक्ष के साथ बीजेपी के विधायकों का विरोध शुरू कर बिल को पास करा लिया। नजुल भूमि विधेयक विधानसभा से पास होने के बाद गुरुवार को विधान परिषद में पेश किया गया। केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे ही विधान परिषद सदन में बिल टेबल करने का प्रस्ताव ही कर रहे थे, तभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी खड़े हुए और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कहने लगे। अब ऐसे में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को रोका और कहा कि पहले विधेयक टेबल तो हो जाने दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी बैठ गए और जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक पेश किया उसके बाद फिर से भूपेंद्र चौधरी फिर से खड़े हुए, विधेयक प्रवर समिति में भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति 2 महीने में रिपोर्ट देगी और समिति के सदस्यों के नाम बाद में तय कर दिए जाएंगे। वही विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने बीजेपी एमएलसी भूपेंद्र चौधरी के अनुरोध और प्रस्ताव को मंजूरी करते हुए बिल को प्रवर समिति को भेज दिया। इसके चलते अब माना जा रहा है कि नजुल भूमि विधेयक अधर्म लटक गया है। विधानसभा से पास होने के बाद विधान परिषद में ऐसे ही बिल की राह में भूपेंद्र चौधरी रोड़ा नहीं बने हैं, बल्कि उसके पीछे सियासी कहानी है। बुधवार को विधानसभा से बिल पास होने के बाद नाराजगी जताने वाले बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव मौर्य से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य से बिल पास होने की सूरत में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने वाली भारी नुकसान की आशंका भी जताई। अब खास बात यह है कि विधानसभा में बिल का विरोध करने वाले दोनों बीजेपी विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी प्रयागराज क्षेत्र से आते हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से आते हैं। इसके बाद ही तय हुआ था कि विधान परिषद के सभी सदस्यों की आम सहमति से इस बिल को पास करने से रोका जाए। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विधान परिषद में खड़े होकर इस बिल पर आपत्ति जताई और इसे प्रवर समिति को सौंपने की मांग कही। इसके बाद यह बिल फर्स्ट गया, प्रवर समिति को सौंपने का फैसला लिया गया।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की विरोध जताने के बाद योगी सरकार के नजूल बिल के लटकने से सियासी चर्चा तेज है। यूपी में बीजेपी सरकार आने के बाद यह पहला मौका है जब विधानसभा से पास होने के बाद कोई बिल को उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने विधेयक का विरोध करते विधान परिषद में लटका दिया हो। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि अगर इस विधेयक को प्रवर समिति ही भेजना था तो सरकार इसे विधानसभा से पास क्यों करवाया। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार से बड़ा संगठन की बात विधान परिषद में सही साबित हुई। अब देखना है कि इस कानून के अधर में लटकने के बाद यूपी सरकार इस कानून को लेकर क्या रुख अपनाती है, क्या इस कानून को दोबारा सदन में लाने की कोशिश करेगी। फिलहाल अभी ये सब बातें तो भविष्य के घर में है, आगे इस मामले में जो भी होता है हम आपको बताते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, हम कल फिरेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।